सो कैसे हो आप सब। देखो यार फाइनली आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप सबके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि दोस्त मैं था अपने गांव में और मैं गांव गया हुआ था। और जब कांतारा डॉक्टर जी और दोस्त एक और मूवी उसके साथ रिलीज हुई थी 14 अक्टूबर को, उसी दिन मैं अपने गांव चला गया था। और इसके बीच में दोस्त मैंने कोई भी फिल्म भी नहीं देखा, कोई टीजर ट्रेलर आता भी था तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता था क्योंकि मेरे पास उतना सामान ही नहीं था। तो दोस्त मैं गाँव से आ चुका हूँ और अब मैंने सोचा यार क्यों ना इस चैनल पे दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट किया जाए। तो बात करते हैं दोस्त पठान मूवी की। तो देखो गुरु, पठान की ना कल ही टीजर आ चुका था और जब टीजर आया था तब मैं काम कर रहा था, तो इसीलिए दोस्त मैंने इसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाया। तो दोस्त फाइनली आज जो है पठान टीजर के ऊपर अपन रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये टीजर कैसा है। तो देखो दोस्त टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट अपन पठान मूवी का टीजर देखते हैं कैसा है ये। क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? ओ भाई साहब, नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया, सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। ओ यशराज फिल्म, एक्शन मस्त दिखाया गया दोस्त, स्लो मोशन ये क्या बात है यार। दीपिका पादुकोण जोन पर हाय, खतरनाक भाई खतरनाक। सीन मजेदार है यार। शाहरुख खान, ओ भाई साहब पठान। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम तो बिगड़ेगा भाई। 25 जनवरी क्या बात है दोस्त, अपनी खुशी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। और वाकई में दोस्त मौसम बिगड़ने वाला है क्योंकि शाहरुख खान कम बैक करने वाले हैं पूरे 4 साल बाद। इनकी लास्ट मूवी कौन सी आई थी? जीरो, हाँ, जो KGF के साथ क्लैश हुआ था और वो जीरो ही बन के रह गया था। पर दोस्त शाहरुख खान जो है अब वापस आ रहे हैं 2023 में और मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ दोस्त कि शाहरुख खान ही जो है ना यशराज फिल्म्स को बचा सकता है, क्योंकि इनकी 3-4 फिल्में जो है पहले ही फ्लॉप हो चुके हैं। दोस्त इसके टीज़र की, तो टीज़र मैंने यार फास्ट पेस्ट दिखाया गया है, जितने भी चीज़ें एक्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट दिखाया गया है और वो इसीलिए दिखाया गया ताकि स्टोरी का भी हल्का सा भी हिंट ना चले। पर दोस्त थोड़ा बहुत हिंट मिल चुका है क्योंकि पठान जो है एक एजेंट का रोल प्ले करेंगे शायद, कन्फर्म नहीं हूँ बट शायद, क्योंकि दोस्त वो 3 साल से गायब है और अब वो दोस्त दोबारा कमबैक करने वाला है फिल्म के अंदर। तो दोस्त मज़ा तो पूरा आने वाला है मेरे हिसाब से, तो भाई पूरा खतरनाक मज़ा आने वाला है। पर दीपिका पादुकोण का जो लुक है ना मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा यार, थोड़ी सी मज़ेदार होती तो और भी ज़्यादा मस्त होता, पर ऐसी सी लग रही जिस तरह यार नशे नुशे करके दीदी फिल्म कर रही है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर दोस्त फिर भी टीज़र जो है नेक्स्ट लेवल है दोस्त, नेक्स्ट लेवल मज़ेदार टीज़र है। इसकी जो म्यूज़िक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा दमदार है, इसके जो एक्शन सीन्स है वो भी ठीक ठाक है। जो जॉन इब्राहिम जो तोप लेके जो मारता है ना वो थोड़ा सा यार फेक लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बट चलो फिर भी ठीक है। तो दोस्त आपने अभी तक ये टीज़र देखा है या नहीं देखा है कॉमेंट बॉक्स में लिख डालो। और हाँ, अब हमारी वीडियोज़ आती रहेगी, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल से थैंक यू सो मच। तो बस दोस्त मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।